दांतों की हर बीमारी के लिए मेरठ का आधुनिकतम और उच्च तकनीक वाला क्लिनिक ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। आनंद डेंटल क्लिनिक A46 साकेत मूर्ति हॉस्पिटल चौराहा मेरठ। मेरठ किठौर के ललियाना गांव निवासी वेल्डर साजिद के रहस्यमय हालात में हुई मौत से लगभग पर्दा उठ गया है। पुलिस जांच में आया है कि लंबे समय से जुड़ी मेरठ निवासी महिला को वह अपने संग ले जाना चाहता था। महिला के इनकार करने पर उसने क्षुब्ध होकर जहरीला पदार्थ खा लिया। भाइयों के साथ अस्पताल ले जाने की कोशिश की लेकिन उसकी मौत हो गई। इस पर उन्होंने शव को नहर की पटरी पर रख दिया, फिर खुद ही परिजनों को एक गुमनाम पत्र भेजकर इसकी जानकारी भी दे दी। इस बारे में पुलिस अधीक्षक देहात केशव कुमार ने यह जानकारी दी। थाना क्षेत्र परीक्षितगढ़ में साजिद पुत्र जमशेद नामक एक व्यक्ति जिसकी उम्र 46 साल थी, जो ललियाना का रहने वाला था, ये 25 तारीख को अपने घर से निकलता है। परिजनों के द्वारा थाने पर 29 तारीख को सूचना दी जाती है, जिस पर तत्काल गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी जाती है। इसकी जो डेड बॉडी थी वो 30 तारीख को नहर के किनारे मिलती है। शव को तत्काल पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भिजवाया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ अनसर्टेन आता है, मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो पाता है। उसके लिए मृत्यु का कारण जानने के लिए विसरा को प्रिजर्व किया जाता है, विसरा को FSL भेजा जा रहा है मृत्यु का कारण जानने के लिए। इसमें परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर पर सुसंगत धाराओं में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमे की विवेचना के दौरान तथ्य इस प्रकार से आए कि जो मृतक साजिद था, इसके मेरठ में एक महिला रहती थी, उसके साथ संबंध है काफ़ी सालों से। ये 25 तारीख को अपने घर से उसी महिला से मिलने के लिए निकलता है। उस महिला को पुलिस ने हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की, तो उस महिला के द्वारा ये बताया गया कि 25/26 की रात को ये मेरे घर पर आया था और ये मेरे को अपने साथ जाने के लिए कह रहा था, जिद कर रहा था, जिसका महिला ने मना किया कि वो भी शादीशुदा है, इस तरह से वो नहीं जा सकती है। तो इस बात पर साजिद के द्वारा कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया गया था। इसके बाद महिला ने बताया कि उसने अपने दो भाइयों को बुलाया, हॉस्पिटल ले जाने का प्रयास किया, परंतु तब तक इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद महिला ने अपने दोनों भाइयों के साथ साजिद के शव को नहर की पटरी के बगल में रख दिया और इन लोगों को ये उम्मीद थी कि साजिद के घर वालों को इसकी डेड बॉडी के बारे में पता चल जाएगा, परंतु जब 2-3 दिन तक इसके डेड बॉडी के बारे में घर वालों को नहीं पता चला, तो इन्होंने एक लेटर साजिद के घर पर भिजवाया जिसमें लिखा था कि साजिद की मृत्यु हो गई है, उसका शव फला जगह पे रखा हुआ है। इस लेटर के आधार पर परिजनों ने शव की बरामदगी की, पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, पोस्टमार्टम करवाया गया। अब इस पूरे प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।